हेलो स्टूडेंट्स, मैं नम्रता जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर। हम बीएड फर्स्ट ईयर की होम साइंस पैडागॉजी की क्लास ले रहे थे। पिछले वीडियो में हमने होम साइंस का अर्थ, परिभाषा, इसकी अवधारणा व प्रकृति, इसके साथ साथ विशेषता, और उसके बाद फिर माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर होम साइंस के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ये हमने जाना था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रह विज्ञान का और अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध है। सबसे पहले तो देख लेते हैं सहसंबंध क्या कहलाता है। एक विषय का जब दूसरे विषय के साथ में पारस्परिक संबंध शिक्षा के क्षेत्र में होता है तो यह हमारा सहसंबंध कहलाता है। ग्रह विज्ञान का हम सबसे पहले जानेंगे साइंस या विज्ञान के साथ में क्या संबंध है। साइंस यानी कि एक किसी भी तर्क का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन हमारा विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में हम पूर्व नियोजन करना सीखते हैं, साथ साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले हम सही या गलत या उचित या अनुचित के लिए पहले हम उसका प्रयोग करके देखते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। वैसे ही ग्रह विज्ञान में भी हम अपने घर में या अपने दैनिक जीवन में अलग अलग नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और साथ साथ हम कुछ नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही घर की व्यवस्था को रखते हैं। हम कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम मानकर ही, कुछ नियम हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, उनको ही हम फॉलो करते हैं। साथ साथ किसी भी कार्य की एक पूर्व नियोजना के साथ ही हम उसको क्रियान्वित करते हैं। जैसे अगर हमको राशन भी लेना है तो हम मंथली लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही हम अपने उस कार्य को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से ग्रह विज्ञान भी विज्ञान की तरह ही एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। अब हम देखेंगे ग्रह विज्ञान का हमारे अर्थशास्त्र के साथ में क्या संबंध है। अर्थशास्त्र यानी कि धन से संबंधित विज्ञान, धन से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है, साथ साथ में नियोजन, बजट, आय व्यय का ब्यौरा और निवेश, बचत, ये सारे इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। उसी प्रकार हमको घर में भी रहकर अपनी कैसे बचत करनी है, किस पैसे को या किसी भी चीज को कहाँ कैसे कितने रूप में लगाना है, किससे उससे कितना फायदा होगा, कितना उसका नुकसान होगा, अगर हम किसी भी चीज किसी भी पैसे किस कम संसाधन में अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बचत करके भावी पीढ़ी के लिए उस चीज को रख सकते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाओं का जो ज्ञान है या इन सारी बातों का ज्ञान हम ग्रह विज्ञान में सीखते हैं। तो एक तरीके से अगर कुशल और मितव्ययी गृहिणी बनना है, कम संसाधन में, कम खर्च में, कम श्रम में अगर घर को सुचारू रूप से चलाना है, वेस्ट मटेरियल से हम कैसे उसका सही उपयोग कर सकते हैं, उसका सही यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी बातों का ज्ञान हम ग्रह विज्ञान से सीखते हैं। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था हमारे अर्थशास्त्र एक कुशल गृहिणी को बनाने में या उसके निर्माण में सहायक है। अब हम देखते हैं ग्रह विज्ञान का हमारे सामाजिक शास्त्र के साथ में, सामाजिक अध्ययन के साथ में क्या संबंध है। ग्रह यानी कि समाज का एक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा। अब घर में ही बच्चे का जन्म होता है, घर परिवार से ही वह अपने सारे संस्कारों को, सारी ज्ञान की बातों को वो सीखता है, और वो जैसा जैसा बढ़ते जाता है वैसे ही वो जीवन पर्यंत अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ नया सीखता है, और उस नए सीखे हुए चीजों बातों का ही वह अपने लाइफ में यूज करता है। तो इस तरीके से जो एक समाज का, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहता है और समाज में ही अपनी मूल प्रवृत्तियों का विकास करता है, और समाज में ही वो एक मरण को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में समाज में एक मनुष्य का जन्म होता है, और घर भी कहीं ना कहीं समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। परिवार भी एक समाज का महत्वपूर्ण सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो इस तरीके से जहां हमने सामाजिक अध्ययन में समाज के बारे में हम सीखते हैं, सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक मान्यताएं हैं, सामाजिक अवधारणाएं हैं, त्योहार हैं, कैसे सबके साथ में कोरिलेशन बनाना है, कैसे हमको मानवीय गुणों का विकास करना है, कैसे हमको सबके साथ में उचित और अनुचित बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमको, तो ये सारी चीजें हमें गृह विज्ञान में भी एक कुशल गृहिणी को
खुद भी सीखकर अपने बच्चों को भी सिखानी पड़ती है। तो इस तरीके से सामाजिक अध्ययन का हमारे गृह विज्ञान के साथ में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक संबंध है। इसके बाद देखते हैं हम हमारा गृह विज्ञान का नागरिक शास्त्र के साथ में संबंध क्या है। एक नागरिक का निर्माण हमारे समाज में ही रहकर होता है। वो एक सुसभ्य नागरिक जब बन पाता है, जबकि वो अपने परिवार से ही, अपने परिवार वालों से ही कुछ अच्छे गुण सीखता है, कुछ नैतिक या मोरल वैल्यूज जब उसमें डेवलप होते हैं, तभी वो एक अच्छा नागरिक देश के लिए बन सकता है। वो एक अपने राष्ट्र का और अपने समाज के योगदान में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो ये जो सारी शुरुआत है उसकी वो परिवार से और घर से ही होती है, और एक खास तौर पे माता का कर्तव्य होता है कि वो अपने बालक को ऐसे संस्कार दे या ऐसे उसको अच्छे से अच्छे उनको गुणों का विकास करे, जिससे कि वो खुद ही भी एक अच्छा नागरिक बन सके और साथ में वो अपने आप को एक आदर्श के रूप में समाज में प्रतिस्थापित कर सके। तो इस तरीके से जो हमारा सही और एक सुसभ्य नागरिक का निर्माण है वो घर पे ही हुआ है। तो इस तरीके से गृह विज्ञान का हमारे नागरिक शास्त्र के साथ में बहुत ज्यादा सकारात्मक या हमारा एक संबंध है। अब इस तरीके से अब हमने देखा कि गृह विज्ञान हमारे अन्य विषयों के साथ में कैसा उसका संबंध है। इसके बाद हमारा ये यहीं पे फर्स्ट यूनिट जो है होम साइंस का वो खत्म होता है। अब हम अपने अगले यूनिट में देखेंगे कि आहार व पौष्टिक भोजन और पोषण आदि, संतुलित आहार आदि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।